तो गाइस व्हाट इफ अगर रोमन रेंस को आप चैंपियनशिप हार देते हैं, कोडी रोड्स न्यू चैंपियन क्राउन होते हैं रसल में 39 में, तो उसके बाद क्या होगा? कोडी रोड्स बैक टू बैक जितने भी पीपीओ होंगे वहाँ पर अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डिफेंड करने लगेंगे। ब्लैक क्लैश अपना है, क्राउन जूल हर पीपीओ में आएंगे, लेकिन रोमन रेंस तगड़े वाले ब्रेक के ऊपर जाएंगे। लेकिन जब मनी द बैंक होगा, सेथ रॉलिंस काफ़ी ज़्यादा बंदे होंगे वहाँ पर, सेथ रॉलिंस टॉप रोप के ऊपर बंदे होंगे, तभी हिट होगा रोमन रेंस का थीम सॉन्ग। रोमन रेंस भागते हुए पॉल हेमन के साथ आएंगे, किसी बंदे को तोड़ेंगे, उसकी जगह मनी द बैंक में एंटर होंगे, मनी द बैंक सेथ रॉलिंस को गिराकर मनी द बैंक जीत लेंगे। उस तरह से हमें स्टोरी लाइन दिखेगी कि न्यू चैंपियन होगा, अब न्यू मनी द बैंक विनर होगा अपने ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस। इस तरह से कुछ स्टोरी लाइन होगी। उसके बाद रोमन रेंस स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ पर जाएंगे और एक बार टीज करेंगे कि वो मनी इन द बैंक जल्दी ही कैश इन करने वाले हैं। मनी इन द बैंक हर पीपीवी में जाके कोडी रोज को टीज करेंगे कि वो मनी इन द बैंक कैश इन करने वाले हैं। लेकिन समर स्लैम के अराउंड ही रोमन रेंस अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर देंगे और तभी रोमन रेंस एक बार फिर से न्यू चैंपियन क्राउन होते हुए नजर आएंगे, फिर से एक बार डब्ल्यूई में, फिर समर स्लैम के अराउंड एक और सबसे तगड़ा वाला स्टोरी वाला मैच देखने को मिलेगा। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स, एक तगड़ा वाला ट्रिपल थ्रेट मैच। कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन और सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन एक है, रोमन रेंस और कोडी रोड्स को भी है, वही रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को भी हमें स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है। एक ट्रिपल थ्रेट तगड़ा वाला चैंपियनशिप चेली मैच, एक क्या बोलते हैं चैंपियनशिप ऊपर टंगी होगी, तभी हमें एक तगड़ा वाला इन तीनों के बीच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन में मैच देखने को मिलेगा। रोमन रेंस यहाँ पर भी स्टिल चैंपियनशिप रिटर्न कर लेंगे और तभी शायद मुझे लगता है कि अपने पीपल चैंप द रॉक का हमें तगड़ा वाला रिटर्न देखने को मिल सकता है। ऐसे कुछ चीज़ें हमें समर स्लैम 2023 में इस साल देखने को मिल सकती है। अगर डब्ल्यू अगर रोमन रेंस को चैंपियनशिप हरा देती है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड भी है। रोमन रेंस चैंपियनशिप हार जाएंगे, लेकिन रोमन रेंस फर्स्ट टाइम मनी इन द बैंक जीत कर उसे कैश इन करने वाले सुपरस्टार बनेंगे, मतलब एक और सुपरस्टार जिसने मनी इन द बैंक है जिन्हें सेल रॉयल रंबल से मिलने को मेन आउट ऐसे करने वाले सुपरस्टार बन जाएंगे। ऐसा कुछ हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है अगर रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हारते, कोडी रोड्स नए चैंपियन बनते हैं, वैसा कुछ सीन देखने को मिल सकता है।